दोस्तों क्या आप ये सोच सकते हो कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए 3300 व्यक्तियों की जान दांव पर लगा सकता है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये बात है 13 जनवरी 2012 की, जब कोस्ट्रिया कंबोडिया नामक एक जहाज अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। ये जहाज टाइटैनिक से भी बहुत ज्यादा बड़ा था और इसके अंदर 3500 यात्री सवार थे और उनके साथ 1000 क्रू मेंबर भी उसके ऊपर सवार थे। जब ये जहाज अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक आइसलैंड आया और जहाज के कैप्टन ने जहाज के चालक को कहा कि उस आइलैंड की तरफ लो, जबकि वो आइलैंड उनके रूट में नहीं था। लेकिन फिर भी उस जहाज को उस आइलैंड की तरफ घुमाया गया और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम कैप्टन की गर्लफ्रेंड जो वहां पर एक डांसर थी, वो कैप्टन की गर्लफ्रेंड थी और उसको इम्प्रेस करने के लिए जहाज आइसलैंड के पास ले जाया गया। और आइसलैंड की तरफ मुड़ते ही जहाज पानी के अंदर मौजूद एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण उसकी लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा डैमेज हो गई और जहाज वहीं पर डूबने लगा। समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया लेकिन फिर भी 33 लोगों की जान वहां पर चली गई सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में। उस मलबे को वहां से निकालने में 3 साल लगे और टोटल 88 अरब रुपए का खर्चा आया। इसके बाद जो कैप्टन था उसको 18 साल की सजा हुई। क्या आपकी नजर में ये सजा कम थी या ज्यादा थी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।